मम्मा, हमें अब मनी अंकल को इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि आलिया दीदी घर से चली गई है बैग लेके। पियू बेटा, मैं मनी अंकल को बता दूंगी, तुम इस सब के बारे में मत सोचो। ये बताओ, तुमने अपना होमवर्क किया? हाँ मामा, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। गुड गर्ल। अब ये बताओ, मेरी पीहू को क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट? पर गिफ्ट क्यों? मम्मा पीहू से बहुत प्यार करती है और उसे गिफ्ट देना चाहती है, इसलिए गिफ्ट। बोलो क्या चाहिए? मामा, मुझे टॉप मॉडल वाला बड़ा सा फोन चाहिए। अरे पर अभी अभी तो नया फोन लेके दिया, वो भी तो लेटेस्ट है। मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को देना है, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओह, हु? अनन्या दीदी, सिमी की बेटी। हाँ। वो करनाल से वापस आ गई? हाँ मम्मा, मुझे उन्हें एक फोन देना है, क्योंकि उस दिन वो बुआ के फोन से चैटिंग कर रही थी और बुआ ने अनन्या दीदी को देख लिया और हम दोनों को बहुत डांटा। सिमी ने तुम्हें डांटा? कोई नहीं, हम अनन्या के लिए कल नया सा फोन ले आएंगे। ओके, सिमी बुआ कह रही थी कि चैटिंग अच्छी बात नहीं होती। क्यों नहीं चैटिंग करनी चाहिए? आजकल सब बच्चे चैटिंग करते हैं, बस स्कूल में चैटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फ्री टाइम हो, घर पर हो, तो चैटिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। नथिंग रॉन्ग इन दैट। इसलिए मैं कल अनन्या के लिए नया सा फोन ले आऊंगी। ओके, नाउ गो टू स्लीप। सब मेरी कंट्रोल में है, एंड आलिया का ये सीक्रेट भी सिर्फ मैं ही जानती हूं। ये सब क्या हो रहा है? अंदर चल के बात करें, मैं नहीं चला तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारा और तमाशा। अभिमन्यु, मेरे बेटे को मत घूर, समझा? फिर घूरना है ना तो अपनी बेटी को घूर, और पूछ अपनी संस्कारी बेटी से कि रात गए होटल के कमरे में अकेली मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी। माइंड यू, इससे पहले कि तू फिर मेरे बेटे पे लालचन लगाए ना, ये आइडिया तेरी बेटी का था, आलिया ने आदि को बुलाया था होटल में। तुम दोनों बाप बेटी मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हो? अरे इसको बदनाम करने में कौन सी कसर रह गई थी? पापा, आलिया ने कुछ नहीं किया, उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था। पापा, उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन कोई भी हटा सकता। किसने तुम दोनों को वहां मिस्टर मिसेस भल्ला के नाम से चेक इन नहीं करवाया? एंड दैट इज अ बिग थिंग मनी। बहुत परवरिश की दुहाई दे रहा था ना, छाती ठोक के बोल रहा था मेरे बेटे की परवरिश खराब है, अब तेरी बेटी की परवरिश कैसी देख ले। और शुक्र मना के मेरे बेटे की परवरिश तेरी बेटी जैसी नहीं है, उसने अब तक तेरी बेटी का गलत फायदा नहीं उठाया। बेचारा इतना भोला है कि अब भी से डिफेंड कर रहा है, और तुम क्या सोच कर लेके गई थी आदि को वहां कि तुम दोनों अपना नाम खराब कर दोगे तो बदनामे के डर से हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। एक बात कान खोल के सुन ले मनी, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की हरगिज नहीं चाहिए।